and welcome to Management Nazaria. Today in this video we will discuss about types of entrepreneurs. Now who are entrepreneurs? Entrepreneurs are basically people who initiate business, who have the ability of taking risk, and they analyze each and everything and then start up with something new. These people are people who are known as initiators because unse pehle इस चीज को किसी और ने शुरू नहीं किया होगा. दे आर कमिंग अप विद देयर होल सोल, देयर ओन कंसेप्ट, वर्किंग ऑन इट एंड कन्वर्टिंग दोज आइडियाज इनटू रियलिटी. दीज पीपल आर नोन एज एंटरप्रेन्योर्स. तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कुछ शुरू करते हैं, किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं जिसमें आइडिया उनका होता है, कंप्लीटली उनका होता है, और वो अपने आइडिया को रियलिटी बेसिस पे, जमीनी बेसिस पे उसे लेकर आते हैं, उतारते हैं एंड उसे फॉलो करते हैं. एक एंटरप्रेन्योर जब अपना एक बिजनेस शुरू करता है वो हर चीज को समझता है, जानता है, परखता है, उसके बाद ही वो उसे इनिशिएट करता है. कितना रिस्क होगा? अगर लॉस होगा तो कितना होगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? मेरे पास डेवलपमेंट की और प्रोग्रेस की कहाँ तक की चांसेस हैं? ये सारे सवाल जवाब का पूरा पैकेज का सोल्यूशन के साथ वो बैठता है कि इन केस ऑफ दिस, दिस शुड बी रेडी. सो दीज पीपल आर नोन एज एंटरप्रेन्योर्स. हमने प्रीवियस दो वीडियोस डिस्कस की है रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें एक में मैंने आपको व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर, उसका क्वालिटीज, एवरीथिंग वाज बीन डिस्कस्ड. इन द सेकेंड वीडियो we discuss the complete process of entrepreneurship. In this video, we are going to discuss about types of entrepreneurs. There are basically 10 types of entrepreneurs and in this video, we will discuss 5 of them. तो वो 5 कौन से हैं? पहला है आपका pure entrepreneur, दूसरा है आपका induced entrepreneur, industrial entrepreneur, then you have your training entrepreneur and cooperative entrepreneur. तो इन सारे एंटरप्रेन्योर्स को समझते हैं, जानते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज पॉसिबल. ठीक है, तो ये प्योर एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? प्योर एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिजनेस को खुद ही इनिशिएट करते हैं. दे आर बेसिकली द पीपल हु स्टार्ट द बिजनेस विद देयर ओन फ्रेश आइडिया. द आइडिया इज नॉट बीन कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर. वो उनका खुद का होता है, वो खुद इनिशिएट करते हैं, खुद समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, पूरी थरर नॉलेज लेते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस को उस आइडिया के बेसिस पे इनिशिएट करते हैं. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं प्योर, क्योंकि इस केस में कहीं से भी कुछ भी कॉपीड नहीं है. ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वाला, सेकेंड टाइप, विच इज योर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योरशिप. इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि सपोज मेरे पास आइडिया है, मैंने सारा पढ़ाई कर लिया, सारा जांच पड़ताल कर लिया कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज़ बीन स्टडीड एंड अंडरस्टूड बाय मी. नाउ प्रॉब्लम इज़ व्हाट? प्रॉब्लम इज आई नीड समथिंग, सम असिस्टेंस, समवन टू इनिशिएट माय बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रामीण एरिया में रह रहे हो, यू आर स्टेइंग इन सम रूरल एरिया, एंड वहाँ पे टू इनिशिएट योर बिजनेस यू नीड सर्टेन फाइनेंसेस, सर्टेन असिस्टेंस. तो प्रधानमंत्री युवा योजना इनिशिएट्स एंटरप्रेन्योरशिप, बढ़ावा देता है, यू नो, प्रोत्साहन देता है, मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर्स को. तो वाया दैट योजना अगर कोई बंदा या बंदी, अ पर्सन opens or commences a business, that business type is basically your induced entrepreneur. क्योंकि कुछ चीज बाहर से आ रही है जिसके help से I am initiating my business, right? So that is basically your induced entrepreneur. Then you have your industrial entrepreneur. Industrial. जब हम industrial word सुनते हैं तो what triggers in my mind? और आपके दिमाग में क्या ट्रिगर होता होगा? समथिंग रिलेटेड टू कुछ बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना. सो यस, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल हु डील विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. दीज पीपल आर नोन एज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स. हो सकता है, सपोज आप एग्जांपल ले लो, एक वाटर बॉटल है,
तो एक वाटर बॉटल को हमने क्या एक शेप में हम इमेजिन करते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप, राइट? बस वही. इमेजिन इफ समवन कम्स अप विद अ यू नो स्पाइरल टाइप ऑफ वाटर बॉटल विच समथिंग न्यू, मतलब एकदम अलग ही हो, बट वो एकदम ट्रेंडी भी हो एंड ईजी हो टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैग में रखने में आसानी हो. ऐसा कोई वाटर बॉटल अगर कोई ले आए तो आप क्या करोगे? एक न्यू आइडिया है, राइट? इट्स अ न्यू आइडिया, मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने ही कंपनी में, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. एंड बिकॉज इट्स अ न्यू आइडिया, कंसेप्ट द बेसिक इज द सेम, वाटर बॉटल ही है बट विथ सम न्यू फीचर्स जो किसी ने कभी नहीं सोचा हो. सो दीज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर नोन एज योर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स. देन यू हैव समथिंग नोन एज योर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. अब ये ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली सेलिंग और बाइंग से डील करते हैं, खरीदना और बेचना, ऐसे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. और ये बड़े स्मार्ट होते हैं, ये उन्हीं चीज़ों के साथ डील करेंगे जो मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग हो और उनको बहुत पैसा कमा के दे सके. सो दीज टाइप्स ऑफ पीपल आर नोन एज योर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. एंड वॉट डू दे डील विद? दे डील विद योर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अंडरस्टूड? फोर टाइप समझ में आया. नाउ लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ दिस वीडियो ऑफ पार्ट वन ऑफ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, है आपका फिफ्थ वाला, कोऑपरेट एंटरप्रेन्योर्स. ये जो होते हैं थोड़े सिस्टमैटिक होते हैं, प्लान्ड होते हैं. ऐसा नहीं कि बाकी वाले सिस्टमैटिक प्लान नहीं थे. ये जो होते हैं ना, दे दीज पीपल प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज, प्लॉट डाउन आइडियाज, कॉन्स एंड प्रॉन्स उनके सामने यू नो ड्राफ्टेड होता है, सामने होता है उनके. उनको ना मतलब उनको जाके किसी की हेल्प लेने लेनी, वो इतना उसे इन डीप प्रॉपरली इनिशिएट करते हुए और विथ प्रॉपर ग्राफ रेडी होते हैं. तो दे बेसिकली प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज एंड देन कम अप विथ एन आइडिया एंड इनिशिएट समथिंग न्यू. सो दीज पीपल हु वर्क अ लॉट एंड कम अप विथ स्ट्रैटेजीज, मतलब बेसिक क्या है, पहले वो एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे एंड फिर अपने बिजनेस को इनिशिएट करेंगे. तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स. नाउ स्ट्रैटेजीज मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ से ले लो, एग्जामिनेशंस आने वाले हैं अप्रैल में, सबका सेमेस्टर फोर है, सेमेस्टर थ्री वन और फाइव, इसका एग्जामिनेशन कब होता है? आपके अप्रैल में होता है. आपको पता है कि आपका एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग नोट्स, आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, यू विल मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल कि मुझे अगर 70% मार्क्स आने हैं, सो आई हैव टू सी टू इट दैट आई डू स्टडीज इसके हिसाब से एंड आई नीड सर्टेन बुक्स. तो ये सारी चीज़ों को आप अमालगमेट करोगे, साथ लेकर आओगे, सभी चीज़ों को इकट्ठा करोगे. साथ में आप ये भी देखोगे कि अरे भैया होली भी आ रही है, तो उस हिसाब से भी हमें रेडी होना पड़ेगा क्योंकि होली में तो सब खेलने वाले हो. अगर आप नहीं भी खेलोगे तो भी कोई ना कोई बुला ही लेगा, और नहीं भी जाओगे तो भी घर में इतना हौचपोच होता है ना कि ध्यान चला ही जाता है, तो उतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप नहीं पढ़ पाओगे, तो कौन सा दिन वेस्ट होने वाला है वो भी आप समझोगे. तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, टेकिंग ऑल दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू प्रिपेयर योर टाइम टेबल एंड इनिशिएट योर स्टडीज, सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयरिंग यू फॉर योर एग्जामिनेशंस, वेर इन यू नो वेर आर यू गोइंग टू लैक एंड वेर आर यू गोइंग टू बूस्ट, राइट? सो दैट्स बेसिकली योर स्ट्रैटेजिकल एंटरप्रेन्योर्स. आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा. कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो, कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन. प्लीज शेयर द चैनल, सब्सक्राइब टूवर्ड्स इट, एंड वो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है प्रेस कर गो एंड क्लिक इट, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड कीप इनोवेटिंग. थैंक यू.